हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की क्लास की सीरीज नंबर 4। और आज की क्लास की सीरीज नंबर 4 के अंदर हम होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट टैब देखने वाले हैं। और यहाँ से अब आपके थोड़ा सा एक्सेल डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा एमएस वर्ड्स के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे हमारे कुछ कंटेंट लिखने ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने पहले लिखा था सानवीटेक ईडीयू पिछली सीट में। और यहाँ पर मैं दोबारा से कुछ वर्ड्स लेने वाला हूँ ताकि मैं उन वर्ड्स का मतलब आपको समझा सकूँ। तो देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सानवीटेक ईडीयू। सपोज मैंने ये डाला और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो सानवीटेक ईडीयू डाला था, ये मेरे सेल को क्रॉस करते हुए डी सेल को भी कवर कर रहा है। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को हटाने के लिए मुझे सी सेल को बड़ा करना होगा, और सी सेल को बड़ा करने के लिए मुझे सी और डी के बीच में जो लाइन है इस पर क्लिक करना है, आगे की तरफ एनलार्ज करना है सेल को, और माउस का क्लिक छोड़ देना है। और मेरा ये सानवीटेक ईडीयू जो सेल है अब वो सिंगल एक बड़ा सेल बन चुका है। आप देखिए, किसी भी सेल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पी और क्यू के बीच में मैं बड़ा कर देता हूँ पी सेल को। तो देखिए, पी सेल यहाँ पर बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप। और ऐसे ही मैंने सी सेल को भी बड़ा कर लिया है। तो आप किसी भी सेल को बड़ा कर सकते हैं, किसी भी सेल को आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बड़ा रखना है तो हम इसे बड़ा रखते हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए सेल को। तो सेल बड़ा हो गया। अगर आपको ये रॉ बड़ी करनी है तो माउस क्लिक कीजिए सानवीटेक ईडीयू वाले सेल पर। तो ऊपर जहाँ पे कॉलम लिखे हुए हैं ए बी सी, तो देखिए सी कलरफुल है। अगर आप इसको रो वाइज देखेंगे तो 4 नंबर की रो में आपने इसको प्रिंट किया हुआ है। यानी कि ये कॉलम हुआ आपका C4। अगर आपको ये रो का साइज भी बड़ा करना है तो आप 4 और 5 के नीचे लाइए और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। और ये देखिए, सेल हो गया आपका बड़ा। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये ऑप्शन देखने हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी सेल को इस तरीके से बड़ा करते हैं तो आपका लिखा हुआ जो डेटा होता है वो नीचे लेफ्ट साइड में, यानी कि ये लेफ्ट साइड है आपकी, इस तरफ की लेफ्ट साइड बॉटम में वो आपका कंटेंट दिखाएगा। पर आपको ये कंटेंट चाहिए अपने हिसाब से। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ अलाइनमेंट्स यूज़ करने होंगे। जहाँ एमएस वर्ड में आपने आपने अलाइनमेंट ऑप्शन देखा था, वहाँ पर आपको 4 अलाइनमेंट मिलते थे, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। यहाँ पर आपको टोटल 6 अलाइनमेंट मिलेंगे। वो होंगे आपके लेफ्ट सेंटर राइट, इसी के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप सेंटर या मिडिल या फिर बॉटम। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको। अभी यहाँ पर हमारा बॉटम और लेफ्ट है तो हम इसे करते हैं सेंटर। और ये देखिए, ये आया सेंटर में, यानी कि मिडिल में। और मिडिल के बाद हम इसे ले जाते हैं सेंटर में। और ये देखिए, आपका ये सेंटर यूज हो गया। अब आपको ये चाहिए इस कॉर्नर पर, तो ये जो कॉर्नर बनता है ये बनता है हमारा राइट टॉप। तो देखिए, राइट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और टॉप के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये राइट टॉप पर आ गया। आप चाहते हो बॉटम सेंटर, तो ये होता है आपका नीचे बॉटम और ये है आपका सेंटर। तो देखिए, इस इन बटन्स की 6 अलाइनमेंट को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को आप कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से आप इसे कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद इंडेंटिंग की। यहां पर इंडेंट देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखिए इंडेंट मेरा राइट साइड को मूव कर रहा है, इंडेंट लेफ्ट साइड की तरफ को भाग रहा है। तो इन बटन्स के जरिए भी आप अपनी जो पोजीशन है उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसे सेंटर मिडल दे देता हूँ और इसका अलाइनमेंट अब ये ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, लेकिन ये ज़्यादा बाहर चला गया, हम इसे ज़्यादा बाहर नहीं रख के। और अगर आप ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप अलाइनमेंट सेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो आप इसे सेंटर और मिडल कर दीजिए और ये आपका बिल्कुल सेंटर और मिडल में आ चुका है। तो यहाँ पर आप अलाइनमेंट के साथ साथ इंडेंटिंग भी यूज करना सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने कंटेंट की ओरिएंटेशन की। अपने कंटेंट की ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ओरिएंटेशन आपको मिलेंगे। तो देखिए, कुछ एंगल एंगल बनाएंगे हम काउंटर क्लॉक वाइज। देखिए, क्लॉक जैसे घूमती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ऐसे बड़ी वाली सुई की तरह, छोटी वाली सुई की तरह ऊपर से नीचे की तरफ घूमता हुआ दिखेगा। अपने सेल को थोड़ा सा और हम रो वाइज एक्सटेंड करते हैं, 4 और 5 के बीच में रखिए, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। अब आपका कंटेंट सानवीटेक ईडीयू कुछ क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको रहने दीजिए भी इस ऑप्शन को। दोबारा चलिए इस पे, एंगल क्लॉकवाइज। ये देखिए, अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।
ये सारे ऑप्शन आप एक एक करके चलाइए। वर्टिकल टेक्स्ट, अब ये वर्टिकल टेक्स्ट देखने के लिए मुझे अपने कंटेंट को थोड़ा, अपने सेल को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। और ये देखिए पूरा वर्टिकली यहाँ पर मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप, और ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ प्रिंट होता हुआ ये टेक्स्ट मेरा बन चुका है। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शंस यूज करेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी अब ऊपर से नीचे की तरफ होता हुआ ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, एक एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए अगर मान लीजिए अब यही हमारा जो टेक्स्ट था वो अब हम नॉर्मल बना लेते हैं, और नॉर्मल बनाने के लिए हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और ये हमारा सानवीटेक ईडीयू वापस बन के आ गया है। अब मान लीजिए ये हमारा सेल जो है इतना बड़ा नहीं था और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो ये मान लीजिए हमारे यहाँ पर आ रहा था। अब मैं कर देता हूँ अगर इसे वर्ड रैप, तो जैसे मान लीजिए मेरा ये सेल छोटा हो रहा था, वर्ड रैप करने के बाद अब ये ब्रेक हो जाएगा मेरा दो रो में। अगर मैं इसको और छोटा करूँगा तो देखिए ऊपर के जो लाइन, एक पूरी लाइन में मेरा सानवीटेक ईडीयू आता था, अब वो दो लाइनों में बढ़ चुका है। सेल को और थोड़ा छोटा करके देखते हैं और सारे वर्ड्स नीचे की तरफ मूव कर गए। और थोड़ा छोटा करके देखते हैं तो यहाँ पर मेरे ये टैग, यानी अब सेल्स मेरा कटना शुरू हो गया। तो अब मुझे अब रॉ बड़ा करके देखनी होगी कि मेरे बाकी के वर्ड्स कहाँ हैं। और ये देखिए नीचे की तरफ मुझे कुछ दिख रहा है, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं, सानवीटेक ईडीयू। यानी कि वर्ड रैप आप कब यूज करेंगे, जब आपको एक लंबा हेडिंग नहीं चाहिए हो के इसको एक ही छोटे सेल में दिखाना है, पर वो सेल की जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। और जब आप विड्थ बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को आप बहुत आसानी से चला सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सानवीटेक ईडीयू, सपोज मैंने ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये कई सारे सेल्स को कवर करता हुआ आए, सपोज मैं इतने सारे सेल्स के बीचों बीच इसे चाहता हूँ, तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना एरिया, अब आप जाइए मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर करेंगे आप मर्ज एंड सेंटर। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सारे सेल्स हटकर एक सिंगल सेल्स बन चुका है, यानी कि ये मर्ज हो गया है और मेरा टेक्स्ट सेंटर में चला गया है। अब इसके अलाइनमेंट तो आप सेट कर ही सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने अपना टेक्स्ट को मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। दूसरे ऑप्शन पे दोबारा आते हैं हम, और यहाँ पर मैं फिर दोबारा से अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। दोबारा देखते हैं इसको ऐसा करके कि अब क्या इसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है। अब हम करते हैं मर्ज अक्रॉस, और यहाँ पर आप देखिए आपके कॉलम जितने भी थे वो मर्ज हो गए, पर आपकी रोज वैसे की वैसे ही आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये है आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं सानवीटेक ईडीयू, दोबारा से हम सेल्स लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में चलते हैं मर्ज सेल्स। और देखिए यहाँ पर आपका अब मर्ज एंड सेल, यानी मर्ज एंड सेंटर ये था और ये डिफॉल्ट मर्ज सेल था। अगर आप मर्ज सेंटर करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, और अगर आप केवल मर्ज सेल करेंगे तो वो बाई डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में बॉटम में रहेगा। अलाइनमेंट के जरिए आप इसे दोबारा से सेट कर सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से हो गया। अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है अनमर्ज, यानी कि अगर आपने गलती से कोई सेल मर्ज कर दिया है, जैसे कि ये गले गलत हो गए हमसे, हम इन्हें अनमर्ज करके वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में ला सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमने अपने सेल को अनमर्ज कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा ये अलाइनमेंट टैब आज फिनिश होता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, और इसकी अगली क्लास के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आप जब कमेंट आएंगे तभी एक्सेल की नेक्स्ट क्लास तैयार होगी। तो तब तक के लिए बाय, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं।